यूपी पंचायत चुनाव एक नहीं बल्कि इतने चरण में होंगे चुनाव अठारह या उन्नीस जिले में एक ही दिन पड़ेंगे वोट तो अठारह या उन्नीस जिलों में एक ही दिन होएंगी वोटिंग तो वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक आपको फुल डिटेल मिलेगी यूपी पंचायत चुनाव जारी हुआ आरक्षण ले जानिए आपके गांव में कौन सी सीट आएगी जैसे महिला एस और ओ के लिए आरक्षित हुए इतने गाँव आप जान सकते हैं आपके गाँव में कौन सी सीट आई है तो वीडियो को पूरी देखें लास्ट तक आपको फुल डिटेल मिल जाएगी जान सकते हैं गांव ओबीसी के लिए है या महिला या सीट या एस के लिए है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तर प्रदेश में इस बार चार चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में इस बार चार चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है हर चरण में अठारह या उन्नीस जिलों में मतदान होंगे सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक जिले में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चारों पदों के लिए एक ही बार वोट डलवाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में होने वाले स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है प्रदेश में इस बार चार चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है हर चरण में 18 या 19 जिलों में मतदान होंगे और सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक जिले में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य के चारों पदों के लिए एक ही बार चुनाव होगा तो चारों पदों के लिए एक ही बार चुनाव होगा और एक ही बार वोट पड़ेंगे तो आप हमारी वीडियो किस रास्ते देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्सन में ज़रूर बताएं राज्य निर्वाचन आयोग जिला अधिकारी व अन्य संबंधित अफसरों के साथ लगातार बैठक चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जारी चुनाव की तैयारी का आज राज्य निर्वाचन ले रहा है यूपी पंचायत चुनाव 2001 के चुनाव से पहले सामने आया आधार कार्ड तो चुनाव से पहले सामने आया आधार कार्ड आपको बता दें उत्तर प्रदेश में होने वाले स्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन ये तय हो गया है बोर्ड परीक्षा से पहले 24 अप्रैल से यूपी यूपी बोर्ड परीक्षा होगी इसे देखते हुए कल विधानसभा सीएम योगी ने कहा है कि हर हाल में बोर्ड परीक्षा क्षक से पहले पंचायत चुनाव कराए जाएं यूपी पंचायत चुनाव और बोर्ड एग्जाम की तारीख में किसी तरह से हटेर बटर नहीं होगी और इसे देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने भी बड़ा फैसला लिया है आयोग के मुताबिक बिलाग मुख्य परीक्षण के नहीं हुआ है। बल्कि उस विकास खंड स्थिति किसी डिग्री कॉलेज या अन्य सरकारी भवन को भी मतगणना केंद्र बनाया जा सकता है जहां बोर्ड परीक्षा सेंटर रहेगा तो एक एक जनपद एक चरण में चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जारी नकलो देख बस्ती झांसी आजमगढ़ गोरखपुर वाराणसी और दे मंडल में पैंतीस जनपदों की सीमा में इन जिलों में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे स्तरीय पंचायत चुनाव तो निर्देश भी दिया गया है इतना ही नए इतना ही नए निर्वाचन आयोग ने चुनाव में उपयोग होने वाली सामग्री आपात्र को उपलब्ध सुनिश्चित कराने का स्ट्रांग रूम में मतगणना स्थलों तो को मतदान केंद्र के संदेशशील की सीमा के आदेश डीएम को दिए गए हैं एग्जाम सेंटर से अगले होंगे आउट सेंटर तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इन जिलों में डीएमओ ओ को ये भी आदेश दिया है कि अगर कोई भी ऐसा एग्जाम सेंटर है जिसे आउटकोइंग सेंटर बना गया तो उसे तत्काल बदल दिया जाएगा और पास किसी दूरी के कॉलेज और अकाउंट बनाया जाएगा तो आपने हमें कीमती समय दिया कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत अगली वीडियो मिलते हैं शुक्रिया